रीवा सीधी मार्ग पर स्थित एमपी की सबसे चौड़ी 6 लेन सड़क सुरंग का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण करेंगे। सीधी जिले से टनल का फीता काटकर रीवा के बदबार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे। जिले के मोहनिया पहाड़ के घुमावदार रास्ते को सुगम बनाने के लिए सड़क सुरंग तैयार कराई गई। झांसी से रांची को जाने वाली NH-39 पर रीवा सीधी की दूरी को कम करने में यह टनल सहायक होगी। नमस्कार जी, मैं सुमेश मांजल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI। आज हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पिछले 4 साल से NHAI और सभी अधिकारियों द्वारा जो की गई मेहनत है उसका प्रतिफल हम सबको प्राप्त हो रहा है और रीवा और सीधी के बीच यह टनल का निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी तय समय अवधि के पूर्व पूर्ण किया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने में हमारे सभी समस्त वरिष्ठ अधिकारियों का, हमारी इंडिपेंडेंट इंजीनियर की टीम का और हमारे कंसेशनर एडमिनिस्ट्रेटर DVL की सारी टीम ने अथक प्रयास किए और इस अथक प्रयासों से हमने यह टनल के कार्य को अपनी निर्धारित समय अवधि से पूर्ण किया गया है। यह भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है जिसमें आज जो अभी तक जो टनल बनी हुई है हमारे देश में उसका यह सबसे बड़ा डाया है और यह 15.5 किलोमीटर का यह टोटल परियोजना है जिसमें कि 2.28 किलोमीटर की यह ट्विन टनल जो कि हर 300 मीटर में आपस में जुड़ी हुई है 45 डिग्री के क्रॉस पैसेज के माध्यम से, जिससे कि लोगों का आवागमन हमेशा निर्बाध जारी रहे। इसमें हमने सारी अत्याधुनिक सुविधाएं की गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का पालन करते हुए ऐसी सुविधाएं की गई हैं कि इसमें कभी किसी को समस्या ना हो। इसमें स्कॉडा सिस्टम के माध्यम से सारी प्रणाली का 24 घंटे दोनों टनल नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल पर लगातार इसमें 24/7 हमारे द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, हमारा सर्विलेंस कैमरा, हमारा LHDS लीनियर हीट डिटेक्शन सिस्टम, अंदर जो गैसेस हैं उनका इंफ्रारेड के माध्यम से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और हमारे द्वारा इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं जिससे कि अंदर पूरा कंटिन्यूस वातावरण जो है पूरा अनुकूल बना रहेगा। 3 मिनट के अंदर कोई भी आदमी इस टनल से पार हो सकता है और अभी तक रीवा से सीधी जाने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता था, वह केवल 1 घंटे में रीवा से सीधी सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा। साथ ही इसमें हमने चुरट बाईपास के साथ के लिए बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है और यह 15.5 किलोमीटर का एकमात्र स्ट्रेच है भारत का जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सारे स्ट्रक्चर इसमें समाहित हैं। इसमें टनल, इसमें एक्वाडक्ट, इसमें अंडरपास, इसमें ओवरपास, इसमें ROV, इसमें माइनर ब्रिज, इसमें मेजर ब्रिज, इसमें बॉक्स कलवर्ट, इसमें होम पाइप कलवर्ट।